हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोग को मोदी केयर का एक ऐसा प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ जिसको अभी तक आप लोग ने मोदी केयर के किसी भी डीपी पे पाया नहीं है। दोस्तों, कंपनी यह प्रोडक्ट बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में लाने वाली है और जिसका नाम है अश्वगंधा। मैं बता दूं दोस्तों कि अश्वगंधा का बहुत ही बड़ा कार्य होता है हमारे शरीर पे। ये एक प्रकार की औषधि मानी जाती है और ये कई क्रोनिक बीमारियों में, कई पुरानी बीमारियों में बहुत ही अच्छा काम करती है। और मेंटली फिजिकली कमज़ोरी किसी भी प्रकार की हो, भूलने की याददाश्त की कमज़ोरी हो, उस पर बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, अश्वगंधा के बारे में पूरा जानने से पहले मेरा यह चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी मेरा इस प्रकार का वीडियो बने तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा का नाम बिथानिया सोमनीफेरा है और इसको इंडिया में विंचर चेरी और इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जिनसेंग बहुत ही पावरफुल होता है, उसी तरह से यह अश्वगंधा भी बहुत पावरफुल है, इसलिए इसको इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। यह आम तौर पे भारत और उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है जो कि कई लाइलाज बीमारियों में बहुत ही अच्छा काम करता है। अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में कहीं सूजन हो, कहीं गांठ बन रही हो तो उसको ख़त्म कर देता है। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी हो वो भी सही कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कि जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहती है, रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारे शरीर में जो टॉक्सिन होते हैं उसको बाहर निकाल देता है और जो हमारे चेहरे की झुर्रियाँ होती हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसको हमारे स्किन से उसको हटा देता है एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से। इतना ही नहीं दोस्तों, एंटी स्ट्रेस भी इसमें होता है। जो तनाव में लोग जीते हैं, रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसके अलावा दोस्तों, एंटीबैक्टीरियल गुण होता है इसमें जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया को मारने के लिए, कहीं चोट लग गया, घाव हो गया हो या किसी प्रकार की संक्रमित बीमारी हो तो इसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। अगर कोई घाव है, इसको लेने से घाव जल्दी से भर जाता है, जल्दी से सूख जाता है। इतना ही नहीं, इसको लेने से हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहती है, प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है, जिससे हमें शरीर में कोई रोग नहीं हो पाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एंटी कैंसरस गुण भी पाए जाते हैं जो कि कैंसर सेल को बढ़ने नहीं देते हैं और कैंसर सेल में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको मारते हैं। और इसका कुछ दिन तक सेवन करें लगातार, अगर कैंसर का शुरुआत है तो इसको ख़त्म कर देता है अश्वगंधा। इसके अलावा दोस्तों, साथ ही में अगर किसी को नींद की बीमारी हो, इंसोमनिया की शिकायत, तो नींद नहीं आती, अगर वो नींद की टैबलेट लेता हो, नींद खाकर सोना पड़ता हो, तो अश्वगंधा का प्रयोग करें, उसको नींद की टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना नींद की गोली लिए ही सो जाएगा। कुछ दिन अश्वगंधा प्रयोग करें, अपने आप ही नींद आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जिसको शुगर की समस्या हो, यह शुगर लेवल को 12% तक घटा देता है। अगर कोई डॉक्टर कह दिया हो आपको ज़िंदगी भर शुगर की दवा खानी पड़ेगी तो आप अश्वगंधा का प्रयोग करिए, आपको शुगर की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई दवा खा रहा है और उसके साथ अश्वगंधा चला रहा है तो शुगर लेवल को बहुत लो कर देगा। इसलिए जब अश्वगंधा खाएं तो शुगर की दवा ना खाएं, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इतना ही नहीं, अगर किसी का बीपी हाई हो तो बीपी को भी यह मेंटेन करता है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर किसी का बीपी लो है तो इसको ना खाए, क्योंकि बीपी लो है तो उसको उसके जो लेवल होता है बीपी का, उससे जो है नीचे कर देता है। इसलिए लो बीपी वाले इसको ना खाएं, जो हाई बीपी वाले हैं इसको खाएं। और साथ ही साथ एडवाइज़ करता हूँ कि अगर इसको खाएं तो बीपी की दवा ना खाएं, क्योंकि बीपी बहुत ही कम कर देता है। इसलिए अश्वगंधा खाते समय जो है बीपी की दवा कोई ना लें, ये अपने आप मेंटेनेंस कर देता है बीपी को। साथ ही किसी को अगर थायराइड की समस्या हो, चाहे TSH बढ़ा हो या T4 बढ़ा हुआ हो, हाइपो में हो चाहे हाइपर में हो, किसी प्रकार की शिकायत हो तो अश्वगंधा खाए, सब मेंटेनेंस कर देता है, थायराइड की समस्या को भी दूर करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि
अगर किसी को याददाश्त की कमजोरी हो, अगर याददाश्त नहीं हो पाता कोई चीज़, दिमाग कमज़ोर हो गया हो, भूलने की शिकायत हो, तो अश्वगंधा का प्रयोग करें, दिमाग तेज हो जाता है, क्योंकि दिमाग के नसों को यह जो है ब्रेन पावर का अच्छा काम करती है और नर्व को जो है मजबूत कर देती है, मेमोरी जो है पावरफुल बना देता है अश्वगंधा, जिससे कोई भी चीज़ याद हो जाता है आसानी से और जो भूलने की समस्या होती है किसी को वो सही हो जाती है। अश्वगंधा इतना ही नहीं दोस्तों, बात कफ पित्त तीनों प्रकार के किसी भी प्रकार का अगर रोग शरीर में है तो तीनों पे बहुत ही अच्छा काम करता है अश्वगंधा। बात कफ पित्त तीनों प्रकार के रोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है अश्वगंधा अगर हम डेली प्रयोग कर रहे हैं तो। इतना ही नहीं, अगर किसी का बहुत तेज़ी से बाल झड़ रहा है, बहुत तेज़ी से पक रहा है, तो अश्वगंधा का प्रयोग करने से जो है बाल पकना रुक जाता है, वो सही हो जाता है, और जो जिसका बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहा है वो भी सही हो जाता है। अगर किसी को स्किन संबंधी समस्या हो तो इसका प्रयोग करें, ये हमारे स्किन को भी सही कर देता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देता है, और जो हमारे शरीर का जो हमारे चेहरे का जो फ्री रेडिकल्स होता है अश्वगंधा का प्रयोग करने से जो फ्री रेडिकल्स हटा देता है, उनकी जो झुर्रियाँ होती हैं वो सही हो जाती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अश्वगंधा का प्रयोग करने से ये हमारा हृदय मजबूत रहता है, अगर किसी को ट्राइग्लिसराइड की कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो तो यह उसको मेंटेनेंस करता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, और किसी को मोतियाबिंद की शिकायत है तो मोतियाबिंद को भी यह कम कर देता है और रोशनी जो है सही हो जाती है अश्वगंधा का प्रयोग करने से, और जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं ढीली पड़ जाती हैं, उसको भी सही कर देता है। मैं बता दूं दोस्तों कि अगर किसी का मसल्स तैयार नहीं हो पा रहा है, किसी का शरीर बहुत दुबला पतला है और डॉक्टर ने कह दिया कि मसल्स तैयार नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे समस्या में भी बहुत अच्छा काम करता है मसल्स तैयार करना, तो अश्वगंधा का प्रयोग करें, आपके मसल्स तैयार हो जाएंगे अच्छे से और जो है शरीर भी फिट हो जाएगी और शरीर में ताकत आ जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अश्वगंधा में अश्वगंधा का प्रयोग करने से आपके शरीर में एक घोड़े के समान शक्ति आ जाती है, यह जो है सेक्सुअली बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर किसी महिला के अंदर जो है बाझपन है तो उसको दूर करता है, और पुरुषों में जो है नपुंसकता को दूर करता है। अगर किसी के अंदर शुक्राणु की कमी है, जो है शुक्राणु कम है या वीर्य की मात्रा कम है, नपुंसकता है, तो यह वीर वर्धक होता है या शुक्राणुओं की संख्या भी बढ़ाता है। जो शुक्राणु होते हैं उनकी मोटैलिटी अच्छी होती है, जो उनकी शक्ति होती है पावरफुल होती है, अस्वस्थ शुक्राणु बनाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो नपुंसकता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ा देता है मर्दों में, और इसलिए जो है यह बहुत ही अच्छा शक्तिवर्धक माना जाता है। मेंटली फिजिकली सेक्सुअली तीनों पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है अश्वगंधा। अगर किसी बच्चे को याददाश्त कमजोरी है, याददाश्त कोई भी चीज़ याद करने की समस्या है, अगर कोई चीज़ याद नहीं कर पाता है, भूल बहुत जल्दी भूल जाता है, तो ऐसे लोग को चलाएँ, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, अश्वगंधा का प्रयोग करने से मेमोरी जो हार्ड हो जाती है, कोई चीज़ आसानी से याद हो जाता है। मेमोरी की बहुत ही अच्छी दवा है, नर्व्स की बहुत ही अच्छी दवा है, ब्रेन की बहुत ही अच्छी दवा है, और इतना ही नहीं फिजिकली मेंटली सेक्सुअली तीनों पे बहुत अच्छा काम करती है अश्वगंधा। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा।